नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। चार बजे के बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी शेम शेम कहने लगेंगे। ये तस्वीर बीजेपी नेताओं की है और वहां की है जहां से 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। झाड़ू लगाकर प्रधानमंत्री देश को सफाई का मंत्र दे रहे थे और उनकी ही पार्टी के नेता उनके ही संदेश का माखौल उड़ा रहे हैं। आप खुद देखिए, ये तस्वीर दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर की है जहां बीजेपी ने नोटबंदी के समर्थन में मोर्चे का आयोजन किया, लेकिन वहां सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। आप खुद देखिए कि वहां वो क्या कर रहे थे, किस तरह से स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ा रहे थे। ये बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये सारी तस्वीरें देखी। बीजेपी नोटबंदी के समर्थन में मार्च निकाल रही है क्योंकि ये काले धन के खिलाफ जंग इसको बता रही है और इसके लिए चुना है वाल्मीकि मंदिर जहां से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर ये वाल्मीकि मंदिर है जहां से प्रधानमंत्री ने अभियान की शुरुआत की। यहाँ पर दिखाई दे रहे बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं क्योंकि मन से लगातार बताइए ना किसने आए मोदी जी ने यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है ये भी है यहाँ पर। बताइए किस लिए आए यहाँ पर? काले धन को बंद करने के लिए आए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की किसी जगह बिल्कुल पता है, लेकिन आप तो यहाँ पर हाँ वो हुआ था मतलब लगने अब इतने भीड़ में हम अब व्यवस्था नहीं कर पाया है, इसको वजह से करना बड़ा मजबूरी है, भीड़ में तो कर नहीं सकते। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। मार्च निकल रहा है और जो बीजेपी दलील ये दे रही है कि ये जो मार्च है वो इसलिए निकाला जा रहा है यहाँ से वाल्मीकि मंदिर से ताकि जो स्वच्छ भारत अभियान से भी इसको जोड़ा जाए कि स्वच्छ भारत के लिए मोदी जी ने अभियान चलाया था और उसके बाद अब काले धन के खिलाफ सफाई करने के लिए काले धन की सफाई करने के लिए अभियान चला रहे हैं। लेकिन उसका हश्र क्या है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिल्ली सरकार की वजह से सतीश उपाध्याय इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, ये रिपोर्ट आपने देखी होगी टीवी पर, हमने आपका इसका जिक्र भी कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं देखिए, ये जो गलत है वो गलत है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी या खास आदमी आप कहें, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया था तो सामने ही एक बहुत बड़ा पब्लिक कन्वीनियंस के लिए एक बाथरूम टॉयलेट बनाया हुआ है और ये लोगों के अपने जो नागरिक हैं वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, किसी का भी हो, उनको एक अच्छा नागरिक अपने आप को साबित करना चाहिए। इसको किसी पर्टिकुलर एंगल से देखना आपका नजरिया हो सकता है और मेरा नजरिया अपना है, लेकिन जो गलत है और इस पूरे देश में जो मुहिम स्वच्छता की चली है उस सबको एज अ नागरिक पालन करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पर, जो आप बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि वहां पर जो